हेलो एंड वेलकम टू केटी बिस किचन। आज हम बनाएंगे मेथी के थेपले की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और अच्छे से वॉश कर लिया है, और उसमें मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया है। और हमें चाहिए बाजरे का आटा और गेहूं का आटा, और दोनों की मात्रा हम एक एक कप रखेंगे। जितने हम बाजरे का आटा लेते हैं उतना ही हम गेहूँ का आटा लेंगे। उसके अलावा हमें चाहिए धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और हमें चाहिए शुगर, नमक, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट 2 से 3 टेबलस्पून। हमें चाहिए थोड़ी सी हींग और हमें चाहिए गुड़। यहाँ पे मैं गुड़ और शुगर दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है जिसमें मैं आटा बनाऊँगी। सो हमने पहले मेथी ले ली है। धनिया पत्ता आप इसमें ज़रूर से डालिए, इसमें धनिया पत्ता डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और अभी हम लेंगे बाजरे का आटा। जितना हम बाजरे का आटा लेंगे उतना ही हम गेहूं का आटा लेंगे। सो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा बाजरे का आटा ले रही हूँ। यहाँ पे मैं दोनों आटे मिलाकर मैंने करीबन 350 ग्राम जितना आटा यूज़ किया है। अभी हम इसमें डालेंगे सारे मसाले। पहले हम डालेंगे नमक स्वादानुसार, और यहाँ पे मैंने मेथी करीबन 250 ग्राम जितनी यूज़ की है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, करीबन 1 टेबलस्पून। इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। और हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। हमने ग्रीन चिलीज भी डाली हुई है इसलिए हम रेड चिली पाउडर थोड़ा कम डालेंगे। और हम डालेंगे धनिया पाउडर करीबन 2 टेबलस्पून। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से तेल यानी कि सेसमे सीड्स। हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। और अभी मैं गुड़ डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ यूज़ करूँगी और थोड़ी सी शुगर यूज़ करूँगी। आप चाहे तो सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़े समय पहले से आप गुड़ को पानी में भिगो सकते हैं, और वो उस पानी का यूज़ आप आटा बनाने के लिए कर सकते हो। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मेथी के थेपले जो गुजराती में फेमस है वो थोड़े से स्वीट होते हैं। आप चाहे तो आपको जितना स्वीटपन चाहिए उतना आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम शुगर डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। अभी हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से आटे और मेथी में मिक्स हो जाए। ये आटा बनाने में टाइम लगेगा। अभी हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंदेंगे। आटे को हमें बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं करना है, हमें आटा थोड़ा सेमी स्टिफ चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से बेल पाए। अगर वो बहुत सॉफ्ट होगा तो आप उसको बेल नहीं पाओगे, इसलिए हमें थोड़ा उसको थोड़ा हार्ड रखना है। जैसे आप आटा बना रहे हो आप बीच में उसको टेस्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चलेगा। अगर उसमें थोड़ा सा सॉल्ट या फिर शुगर कुछ भी कम है तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने होल ग्रेन्यूल वाली शुगर यूज़ की है, लेकिन जैसे ही हम आटा गूंदेंगे वो जो शुगर है वो मेल्ट हो जाएगी। अगर आप चाहो तो आप ग्राउंड शुगर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ी और शुगर डाल रही हूँ। कुछ लोग ये आटा छाछ का इस्तेमाल करके भी करते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। अभी हम आटे को अच्छे से गूंदेंगे। अगर आपको इसमें हल्दी पाउडर कम लगे तो आप डाल सकते हो।
आटा गूंद जाने के बाद अगर आपको थोड़ा आटा थोड़ा सा गीला लगता है तो आप ऐसे थोड़ा सा आटा लेके उसको फिर से गूंद सकते हो ताकि हमारा आटा है वो अच्छे से बन पाए। सो आप देख सकते हो हमारा आटा बन गया है। अभी हम उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर से उसको गूंद लेंगे। सो ये हमारा आटा गूंद के अभी रेडी है। सो आप देख सकते हो हमारा आटा सॉफ्ट भी नहीं है और हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट डो है। ताकि हम उस थोड़ा सा आटा लेके उसका पेड़ा बना के हम उसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो हम इसको कितने अच्छे से रोल कर पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी फट नहीं रहा है क्योंकि हमारा डो है वो एकदम सॉफ्ट नहीं था, थोड़ा सा हार्ड और थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट था, इसलिए हम उसको अच्छे से रोल कर पा रहे हैं। हम उसके उसको थोड़ा सा पतला रखेंगे, बहुत हमें ठीक नहीं रखना है, हम उसको पतला ही बेलेंगे। सो हमने तवी पे हमारा थेपला रख दिया है। थेपले को हम लो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। एक साइड को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाए। करीबन 30-40 सेकेंड में नीचे की साइड थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स आने लगेंगे, उसके बाद हम उसको फ्लिप करेंगे। आप देख सकते हो हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं। अभी हम जो टॉप साइड है वहाँ पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और उसको फ्लिप करेंगे। अभी दूसरी साइड पे ऑयल लगाएंगे और स्पैचुला की मदद से हम उसको हल्के हाथों से सभी साइड से प्रेस करेंगे ताकि जो सभी साइड्स हैं वो अच्छे से कुक हो, इक्वली सभी साइड से अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। सभी साइड से हम स्पैचुला की मदद से उसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और ऐसे आप देख सकते हो ये डार्क ब्राउन स्पॉट्स आने चाहिए, इसका मतलब हमारा जो थेपला है वो अच्छे से पक रहा है। और फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे। ये हमारा पहला थेपला बन के रेडी है। अभी हम दूसरा थेपला सेम इसी तरीके से बनाएंगे। ये ब्राउन स्पॉट्स आ गए, अभी हम उस पर ऑयल लगाएंगे, अभी हम उसको फ्लिप करेंगे, दूसरी साइड पे भी हम ऑयल लगाएंगे और स्पैचुला की मदद से हम उसको हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि सभी साइड से वो इक्वली कुक हो जाए और ऐसे डार्क ब्राउन स्पॉट्स आने चाहिए। सो अभी हमारा दूसरा थेपला भी बन के रेडी। ये सारे मेथी के थेपले बन के अभी रेडी हैं। आप बाहर जाते होगे तो आपको पता होगा मेथी के थेपले बाहर मिलते हैं बाज़ार में, उसका टेस्ट वैसा ही आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और इसको आप चाय के साथ खा सकते हो, हरी मिर्च के साथ, अचार के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। बारिश की सीज़न में ये मेथी के थेपले चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। If you like this recipe, please like it, share it, and do not forget to subscribe my channel. Thank you so much for watching. See you soon with the next great recipe. Till then, bye-bye.